नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आवारा पशुओं के द्वारा हादसों का क्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा। डिडवाना पालिका प्रशासन और संबंधितों के पास इसका कोई ठोस उपचार नहीं है। ताजा मामला शुक्रवार शाम 5 बजे का है, जब कचहरी परिसर से बाहर निकलते एक वृद्ध व्यक्ति को 2 सांडों की घमासान लड़ाई का शिकार होना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार काटलाबास निवासी प्रेम रतन जांगड़ किसी कार्य हेतु नगर पालिका की तरफ आए हुए थे, जहां पालिका के सामने अपनी बाइक खड़ी करके काम में लग गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 सांड पालिका के सामने ही आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते जांगड़ के ऊपर आ गिर गए। उनके बाएं पैर कूल्हे में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत ही परिजन सीकर लेकर रवाना हो गए। आपको ज्ञात हो, यह पहला मामला नहीं है जब आवारा गौवंश से ऐसा कोई हादसा हुआ है। डीडवाना में आवारा गौवंश लोगों की जान तक ले चुके हैं, बावजूद इसके ना तो पालिका प्रशासन और ना ही गौशालाओं वाले इस ओर किसी भी प्रकार से ध्यान दे रहा है। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि नव पालिका गठन के बाद भी क्या आवारा सांड व पशुओं को लेकर शहर के प्रशासन के पास कोई ठोस नीति नहीं है। नगर संवाददाता किशोर अमगरवाड़ की रिपोर्ट।